है एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज है सैटरडे और अभी 2 बजे हैं। मुझे जाना है मॉल। मेरे घर में सब्जियां, दूध, दही सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और आज हस्बैंड की छुट्टी है, तो मैं आज जाऊंगी मॉल, सारी चीज़ें लेकर आऊंगी और लंच बना लिया, खा लिया। लंच में आज सांभर राइस बनाया था। सांभर राइस इसीलिए बनाया क्योंकि मेरी बेटी को सांभर बहुत पसंद है, वो सांभर राइस बहुत पसंद करती है। और घर में ज़्यादा कुछ सब्जियां थी नहीं, थोड़ी सी गाजर, टमाटर और प्याज था, मैंने वो डाल के सांभर बना दिया है। तो लंच भी हो गया और मैं अब जाऊंगी मॉल। मॉल से सब्जियां, दूध, फ्रूट सारी चीज़ें लेकर आऊंगी और मुझे ना कुछ बर्तन भी लेने हैं। बर्तन मतलब देखती हूँ, कुछ नॉनस्टिक बर्तन लेने हैं। एक साल से मैंने कुछ ख़रीदारी की नहीं है और लॉकडाउन के टाइम सारी चीज़ें घर में बनाते थे, तो मेरी बर्तन वगैरह कुछ ख़राब हो गई, कुछ को मैंने तोड़ दिया। मेरे बेटे को डोसा बहुत पसंद है और मेरा डोसा का तवा ख़राब हो गया है। तो पिछले 1 महीने से मेरा बेटा 2-3 बार बोल चुका है कि मम्मी डोसा बना लो, डोसा बना लो। तो मेरे को बहुत ज़रूरत है डोसा तवा की। मेरी नॉनस्टिक जो कढ़ाई थी वो ख़राब हो गई है। मुझे टी कप लेने हैं। टी कप एक साल में गेस्ट आते नहीं थे तो बस वही घर में यूज होता था। कुछ ख़राब हुए, कुछ टूटे, कुछ के हैंडल टूट गए। अब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो कुछ कुछ गेस्ट आने लगे हैं, तो मैं देखती हूँ मुझे मॉल में क्या क्या मिलता है और फिर मैं लेके आती हूँ। आने के बाद दिखाती हूँ क्या क्या लाती हूँ। तो चलते हैं मॉल। Thank you.
इवनिंग एवरीवन। और मैं अभी आ गई हूँ मॉल से और मुझे अभी चाय बनानी है, पर मैंने सोचा पहले ये आपको दिखा दूँ, दो तीन सामान जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी, फिर रात के डिनर की तैयारी। मॉल से आने के बाद तो मेरा पहला काम होता है फ्रेश होना, मैं फ्रेश हो गई हूँ। और मॉल में बहुत सारे सेल, पता नहीं यहाँ क्या है, जो मोर है उसमें पूरे साल कोई ना कोई सेल लगी रहती है, कोई भी छोटा बड़ा फेस्टिवल है उसमें सेल सेल सेल, तो काफ़ी सेल लगी हुई है। और आज सैटरडे होने की वजह से काफ़ी भीड़ भी थी, तो मुझे ज़्यादा सामान लेना नहीं था, थोड़े से फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल लिया और मिल्क वगैरह लेकर, और दो तीन सामान लिया जो बस आ गए, इसलिए जल्दी आ गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लिया, ये लिया मैंने, ये मेरे पास पहले से भी हैं, बहुत सारे हैं, तीन चार हैं, दो वेज कलर के हैं, एक ग्रे कलर का है और ब्लैक नहीं था, बहुत पहले था जो ख़राब हो गया था, और फिलहाल मेरे को ब्लैक नहीं था, और मैंने वहाँ देखा बहुत सारे कलर थे तो मैंने ब्लैक ले लिया। ये 70% ऑफ में था, ब्रांड क्या है मालूम नहीं, और मैंने ले लिया। उसके बाद दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है, मैंने ये लिया है नॉन स्टिक कढ़ाई, ये मास्टर के हैं, मुझे 499 के पड़े हैं, ये 499 छोटी है, बहुत ज़्यादा तो सब्जियां नहीं बन पाएगी, लेकिन हम चार लोगों के लिए काफ़ी है, हमारे घर में चार लोगों का खाना बनता है, तो हम चारों के लिए ये कढ़ाई अच्छी है। अभी तो देखना पड़ेगा, मैंने इस ब्रांड का कभी नॉनस्टिक कढ़ाई यूज किया नहीं था, और अभी देखती हूँ यूज करके, उसके बाद बताऊँगी कैसा है ये। ये इंडक्शन के लिए नहीं है, ये सिर्फ गैस चूल्हे के लिए है, इसके साथ मिला है ये लीड, ये ग्लास के हैं, तो ये ऐसे रहेगा, इसके साथ ये भी मिला है, ये पता नहीं मेरे कितने काम आएगी वो तो नहीं पता, क्योंकि मेरे पास पहले से भी बहुत सारे स्पैटुला हैं, तो देखती हूँ यूज करती हूँ या पहले के जो हैं, ये तो कभी कभी इसे भी यूज कर लूँगी, ये है, एक मैंने तवा ली है, ये तवा मोर है ना, मोर का अपना ब्रांड है, ये देख, मोर का अपना ब्रांड है और इस पे रेट लिखा है 795, पर ये सेल में थी, ये मुझे 349 की पड़ी है, पीछे से ऐसी है, तो इसमें ऑमलेट डोसा ये सारी चीज़ें अच्छी बन जाती है, मेरे पास पहले से भी हैं तो वो थोड़े ख़राब हो गए, वो उसके नॉनस्टिक निकलने लगते हैं ना, तो वो थोड़े थोड़े निकल गए हैं, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता,
इसलिए मैंने सोचा उसे निकाल देती हूँ और एक नया ले लेती हूँ। तो ये ले लिया मैंने। और आज बेंगलोर का मौसम बहुत खूबसूरत हो रखा है, बहुत सुहावना, जैसे हिल स्टेशन पे मौसम नहीं होता बिल्कुल वैसा। कल शाम को 4-5 बजे के करीब बारिश स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद आज मॉर्निंग से धूप भी नहीं है और बारिश भी नहीं है, उसके बीच का एक ठंडा ठंडा मौसम, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। और इसलिए मैं जाती हूँ अभी गर्मा गर्म चाय बनाऊँगी और चाय पियेंगे, उसके बाद रात के खाने की तैयारी। पता नहीं ये ब्लॉग जाएगी या नहीं जाएगी, मैंने कोशिश की है बनाने की, फिर अगर गई तो बताएं ज़रूर कैसा हुआ ये ब्लॉग। फिर मिलते हैं।